क्रूस उठा के मैं चल पड़ा हूँ, कलवारी है मेरा मुकाम। कलवारी है मेरा मुकाम, एक आत्म की यात्रा कलवारी की ओर। नबी यशायाह 43 वचन 18 से 19। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। आइए हम मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी यशायाह हमें पुरानी बातों को भूलने और नई बातों को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं जो ईश्वर हमारे बीच में कर रहे हैं। 40 की इस यात्रा के दौरान आइए हम ईश्वर के परिवर्तनकारी कार्यों के लिए अपने हृदयों को खोलें, जिससे वो हमारे हर पापमय पुरानी बातों और कामों को नया बना दे। आइए हम हमारे अतीत की कड़वी यादों और दुखों से खुद को आजाद करें और ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले सुखद भविष्य को आशा और प्रत्याशा के साथ स्वीकार करें। आइए हम ईश्वर की निष्ठा पर भरोसा रखें कि वह हमें उस भरपूर जीवन में ले जाएंगे जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। हे दयालु ईश्वर, तू हमारे बीच हमेशा नित्य नए नए काम करता है। तेरे दिव्य कार्यों को देखने के लिए हमारी आंखें खोल दे। तेरी योजनाओं और उद्देश्यों को अपनाने के लिए हमें एक विश्वासपूर्ण हृदय प्रदान कर, ये जानते हुए कि तू हर कदम पर हमारे साथ है। हमें हमारे अतीत को भुलाने और भविष्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने में मदद कर। आमीन। क्रूस उठा के मैं चल पड़ा हूँ, कलवारी है मेरा मुकाम। क्रूस उठा के मैं चल पड़ा हूँ, कलवारी है मेरा।